biggest South Asian media group, Y Media. हेलो एवरीवन, माय नेम इज युदीप जसवाल, आई एम द ग्रुप एडिटर एट वाई मीडिया ग्रुप वालों तुहाडे सारेयां दा चैनल वाई दे उत्ते बहुत बहुत स्वागत है। बतौर ग्रुप एडिटर वाई मीडिया मैं युदीप जसवाल तुहाडी खिदमत हाजिर हाँ अज दे इस प्रोग्राम दे विच करंट न्यूज़ और उहदे उत्ते एनालिसिस लैके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया दे सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़े इंडिया दे विच इलैक्ट्रल बोंड्स जो इंडिया दी गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए सीगे उन्हां दे उत्ते फिलहाल रोक लगा दित्ती हैगी। उन्होंने कह दिता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिहदे जरिए कि इलैक्ट्रल बोंड्स जिहड़े ने जारी किए जाते सीगे, सुप्रीम कोर्ट ने फौरन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस उत्ते रोक लगा दी है। और जिहड़े पहला भी जो भी लेखा जोखा सीगा कि किन्हां ने डोनेशन दी है या किहड़ियां कंपनीज़ नूं ने डोनेशन दी है किहड़ी पार्टी नूं गए, वो कहिंदे जी पूरी चीज़ जिहड़ी है सामने लैके आओ पब्लिक की जाए। इहदी हल्की जी बैकग्राउंड तुहानूं जरूर सांझी कर दिंदे हैगे। 2017 दे विच शुरू होया, 18 च लागू किया गया इलैक्ट्रल बोंड्स जिहड़े जारी किए गए सीगे गवर्नमेंट के कहने उत्ते इहनूं जारी किया गया। इंडिया की गवर्नमेंट उस समय सारे जानते हैं बीजेपी सरकार सीगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए जारी किया गया। हुण की सीगा, असीं सारे जानते हैं कि जिहड़ियां डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ ने डोनेशनस लैंदियां ने, पैसा लैंदे आ, उहदे विच इंडिविजुअल्स भी पैसा दे सकदे ने, कोई बिजनेस अदारे या बड़े कोई कारपोरेट घराने ने उह भी पैसा दे सकदे ने। हुण इस मामले च की होया कि जदों इलैक्ट्रल बोंड्स आ गए तो लोगों ने फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू करता सीगा तो लोग उहदे जरिए वो पैसा दिंदे सीगे, वो डिफरेंट पोलीटिकल पार्टीज़ ने पैसा लिया। हुण इहदे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ा पैसा मिलिया वो बीजेपी नूं मिलिया और बीजेपी तो बाद जे असीं गल करिए तो उस तो बाद कांग्रेस नूं मिलिया, फिर डिफरेंट पोलीटिकल पार्टीज़ जिहदे विच के अलग अलग पोलीटिकल पार्टी शामिल ने उन्हां नूं पैसा मिलिया। हुण सवाल ये खड़े हो गए कि आखिरकार बीजेपी नूं वास्ट शेयर मिलिया, क्योंकि 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 हुण 2024 भी स्टार्ट हो गया। सो इस सारा टाइम बीजेपी की सरकार रही है तो सब तो ज़्यादा पैसा उन्होंने मिलया, कांग्रेस को घट पैसा मिलया। जे असीं ओवरऑल गल करिए टोटल पैसा जदों तो इलैक्ट्रल बोंड्स जारी हुए हैं आज तक तकरीबन 5270 करोड़, यानी कि 5270,000 करोड़ रुपया जिहड़ा है ये बीजेपी को मिलया। कांग्रेस को 1000 करोड़ भी नहीं मिलया, उन्होंने तकरीबन 800-900 करोड़ रुपया उन्होंने मिलया। फिर बाकी डिफरेंट पोलीटिकल पार्टीज़ में जिस तरह हम आम आदमी पार्टी है उन्होंने 48 करोड़ टोटल मिले है, 50 करोड़ तो भी थले थले है। नीतीश कुमार जी की गल करिए उन्होंने तकरीबन 25 करोड़ रुपया मिले है। ममता बनर्जी जी ने तकरीबन 700 करोड़ के आसपास मिले है। फिर पटनायक साहब न जी उन्हों की BJD हैगी उड़ीसा दे विच पार्टी है उन्होंने 500-600 करोड़ मिले। सो इदा अलग अलग पार्टीज़ को पैसा मिले है। लैफ्ट फ्रंट ने कहा कि उन्होंने इलैक्ट्रल बोंड का कोई फायदा नहीं होया। CPI CM ने कहा कि सानू कोई पैसा नहीं मिले। मायावती जी ने भी कहा है कि उन्होंने भी इलैक्ट्रल बोंड्स के जरिए BSP को भी कोई पैसा नहीं मिले। सो सारे पोलीटिकल पार्टीज़ ने अपनी उन्होंने दसना होंगे भी कितना पैसा है, सारा कुछ है। हुण सुप्रीम कोर्ट की कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये रोक दिता जाए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सवाल खड़े किए गए थे कि RTI इनू लीड कौन कर रहे थे? ADR एसोसीएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है इंडिया के, इनू लीड करते हैं जनरल अनिल वर्मा। जनरल जिहड़े लेफ्टिनेंट जनरल अनिल वर्मा है ने, पहला फौज जनरल रहे हैं तो हुण ADR एसोसीएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स उन्होंने लीड करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है जी कहती है कि असी इंडिया के डेमोक्रेसी बहाल रखना है। सो जिहड़े जनरल वर्मा है ने, जनरल अनिल वर्मा, उन्होंने लीड किया इनू और होर ऑर्गनाइजेशन ने भी कहा कि देखो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये हर भारतीय नागरिक का हक है, ये भी सानू दस्या जाए कि किने पैसा दिता, किहड़ी पार्टी नू दिता। ये तो पता लग रहा है कि टोटल पैसा किन्ना आया और किहड़ी पार्टी नू गया, ये तो आ ही रहा है, पब्लिश हो रहा पहले तो और साफ नज़र आ रहा है BJP सब ज़्यादा। पर वो कहते जी पैसा दे कौन रहा, सानू भी दसो और किन्ना किन्ना किहड़ा किहड़ा पैसा दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हुण हुक्म जारी कर दिते ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि पूरा ब्यौरा इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया दिता जाए ताकि सारी जानकारी जी बाहर आ सके कि पार्टी ने किन्ना पैसा दिता है, किहड़ी पार्टी नू पैसा मिले है, सारा कुछ बाहर आ सके। हुण इहदे ते जिहड़ा BJP है, BJP का पक्ष यह है वह कहिंदे देखो पहला हुंदा सीगा कि पैसा आंदा सीगा कैश या चैक, कोई भी आ गया पैसा तो पार्टी के जिहड़े कोई लीडर हुंदे सी, BJP का एलीगेशन उन्हां दा कहना कि पार्टी के कोई लीडर अपने घर के पैसे रख लेंदे सीगे या स्विस बैंक के पैसे भेज देंदे सीगे। सो कैश ट्रांजैक्शन बहुत सीगी और पार्टी के लीडर ही सारे उन्हूं कंट्रोल करते सीगे। सो BJP का कहना है कि उन्हूं खत्म करदे इलैक्ट्रल बोंड्स आ गए ताकि पैसा किसी स्विस बैंक च नहीं हुण इंडियन बैंक च जांदा पैसा और पैसा जिहड़ा उह डायरैक्ट पार्टी फंड दे विच जांदा किसी दी घर दी अलमारी दे विच या किसी दे घर दे विच नहीं पैसा जांदा या स्विस बैंक च नहीं जांदा। पार्टी जिहड़ा कोई भी पैसा दे रहा उह बैंक राही आ रहा, पूरी उहदी मनी ट्रेल है और सीधा फिर पार्टी कोल जांदा। ये BJP का कहना। कांग्रेस की कह रही है,
कांग्रेस कह रही है कि नहीं जी नहीं ये जेडे पैसे लै रहे ने ये क्योंकि हुण इन्हां ने लिमिट ही खत्म कर दी है। पहला लिमिट होंदी सी कि जेडे बिजनेस घराने ने कोई कारपोरेट हाउसिस ने उन्हां दी लिमिट होंदी सी कि कोई लिमिट रखी सी। ये तो हुण कोई अनलिमिटेड डोनेशन लई जा रहे ने तो जिहड़ा कोई अनलिमिटेड डोनेशन देगा वो फिर इन्हां तो की फायदा लै रहा है, क्या कोई बिजनेस का फायदा लै रहा है इन्हां तो? ये हुण एलीगेशन कांग्रेस पार्टी और होर विरोधी पार्टियां जिहड़ियां ने वो बीजेपी के उत्ते लगा रही ने कि ये लोग ये देखो जी ये करप्शन है। हुण बीजेपी काउंटर सवाल करती है, वह कहें जी पैसे तो तुसी भी लए फिर ये जरिए, कल्ले बीजेपी ने तो लए नहीं है पैसे तो तुसी भी लए है, चाहे उन्होंने 5270 करोड़ लिया टोटल, तुसी 800-900 करोड़ तो तुसी भी लै लिया, 1000 करोड़ तो थोड़ा ही थले है पैसा तो तुसी भी लै लिया। कांग्रेस कहती है कि ठीक है असी भी पैसा लिया पर सरकार तो तुहाडी है, काम तो लोग तुहाडे तो करवाना चाहणगे। फिर वो कहें जी फिर तुसी क्यों पैसे लै रहे हो, कि तुहाडे कोलों भी लोग कुछ काम करवाना चाहते हैं, तुहाडियां भी स्टेट लैवल दे उत्ते गवर्नमेंट्स ने और बड़े पैमाने के उत्ते पैसा जिहड़ा है, चाहे असी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी की बंगाल च कांग्रेस है, चाहे असी बीजेडी उड़ीसा दे विच पटनायक साहब की गवर्नमेंट है और 48 करोड़ रुपया 48 करोड़ तो आम आदमी पार्टी ने भी लिया है, नीतीश कुमार जी ने भी 25 करोड़ मिल गया। सो वो कहते पैसे तो सारे लै रहे हैं इलैक्टोरल बोंड के जरिए, पर बीजेपी को बहुत मैसिव शेयर तकरीबन असी कह सकते हैं कि 55% पैसा सारा बीजेपी को, किसी को 10% 5% 2% पर मेजर 55% शेयर जिहड़ा पैसा मिलिया है वह बीजेपी को मिलिया है। हुण बीजेपी के इस चीज़ के उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी भी नहीं इलैक्टोरल बोंड हुण नहीं इशू होंगे। The biggest South Asian media group, Y Media.